मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए हर रोज़ रात 9 बजे रीजनिंग का टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूँ। आप लोग बस रोज़ रात 9 बजे मेरे साथ 10 से 15 मिनट जुड़ करके 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आपको एक्स्ट्रा से रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न आकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। SSCGL 2016 में पूछा क्वेश्चन है। देखिए, आप लोग पहले 10 क्वेश्चन का आंसर खुद से सॉल्व कीजिएगा। आपका 10 में से कितने नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, त्रिभुज में डॉक्टर हैं, वृत्त में प्रोफेसर और वर्ग में विवाहित व्यक्ति। ठीक है, देखिए, त्रिभुज है, वृत्त है, वर्ग है। क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टर को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है? डॉक्टर किस में? त्रिभुज में। ऐसे डॉक्टर को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है, मतलब इसमें नहीं होना चाहिए, त्रिभुज में तो होना चाहिए। ऐसा डॉक्टर है जो कि विवाहित नहीं है, लेकिन वर्ग में नहीं होना चाहिए। वर्ग में नहीं होना चाहिए, वर्ग में जितना कुछ है आप सब ऐसे काट दीजिए। कहीं बोल रहा विवाहित नहीं होना चाहिए, तो वर्ग वाला ऐसे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वर्ग वाला ऐसे ख़त्म हो जाएगा। प्रोफेसर का बात तो कहीं कर नहीं रहा है, प्रोफेसर का बात कहीं कर रहा है? कहीं नहीं कर रहा है। तो प्रोफेसर वृत्त में प्रोफेसर को भी आप हटा दीजिए। बोला था ऐसे कितने, निम्न से कौन संख्या ऐसे कितने डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है? डॉक्टर इसमें था, त्रिभुज में, अविवाहित नहीं है, वर्ग में तो होगा ही नहीं, तो वर्ग को हम लोग काट दिए। और बोल रहा था प्रोफेसर के बात तो कर नहीं रहा था, तो प्रोफेसर हटा दीजिए। पूछा था ऐसे कितने डॉक्टर है जो विवाहित नहीं है, तो देखिए कौन सा बच गया, त्रिभुज के अंदर वाला ही आंसर होता, तो वर्ग तो होगा नहीं, कहीं विवाहित तो बोल नहीं रहा था, वृत्त का बात कर नहीं रहा था प्रोफेसर का, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, एक डी नंबर आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 12, 36, 18, 54, 27, तो यहाँ पे क्या होगा? SSCPO 2016 पूछा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप लोग क्या कीजिए, 12 को 3 से गुना कीजिए, 12 को 3 से गुना कीजिए, कितना है 12 थी 36, अगला निकल जाएगा। 36 को आप लोग 2 से भाग कीजिए, 36 को 2 से भाग कीजिए, कितना हो जाएगा 18, अगला निकल जाएगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, 3 से गुना 2 भागा, फिर आप 3 से गुना कीजिए, 18 तिया 54, 3 से गुना 2 भागा, 3 से गुना 2 भागा, आप 54 में 2 से भागा दीजिए, 27 हो जाएगा। फिर क्या कीजिएगा, 3 से गुना कीजिएगा, 27 तिया कितना होता 81, यहाँ पर कितना हो जाएगा 81, सी नंबर आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 5, 2, 4, 4, 4, 7, 2, 5, 3, 18, 30, तो यहाँ पे क्या होगा? SSC STENO 2017 में पूछा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप लोग क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़िए, 5, 8, 4 को जोड़िए, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इससे गुना कर दीजिए, 9 को आप लोग 2 से गुना कीजिए, कितना होगा 9, 2, 18, नीचे वाला निकल जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए इन दोनों को जोड़ रहे हैं, ठीक है, 5, 4, 9, ऐसे गुना करें, 9, 2, 18, नीचे वाला निकल जा रहा है। इसको देखिए, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे उसी तरह से, 4, 2, 6, ऐसे गुना कर देंगे, 6, 5, 30, नीचे वाला निकल जाएगा। इधर क्या होगा, देखिए इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, 7, 4, 11, ऐसे गुना कर देंगे, 11, 3, 33, नीचे में क्या हो जाएगा हम लोग का 33, डी नंबर आंसर हो जाएगा। चार नंबर क्वेश्चन देखिए, सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, RRB NTPC 2016 में पूछा क्वेश्चन। देखिए, समुदाय है, सदस्य है, परिवार है, देश है, सदस्य है। देखिए क्रम में सजाना है इसको, देखिए पहले क्या हो जाएगा, पहले होगा सदस्य, ठीक है, दो नंबर सदस्य के बाद क्या होगा, सदस्य के बाद हो जाएगा परिवार, तीन नंबर परिवार के बाद क्या हो जाएगा समुदाय, एक नंबर उसके बाद होगा स्थान, पाँच, और उसके बाद होगा देश, चार। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 1, 5, 4, 2, 3, 1, 5, 4, यही सी नंबर आंसर हो जाएगा, 2, 3, 1, 5, 4। पाँच नंबर क्वेश्चन है, 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे हैं, यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होंगी? SSCGL 2017 में पूछा क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं, आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख सकते हैं। 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, एक कक्षा में 39 विद्यार्थी है, ठीक है, उसमें बोल रहा है सुरेश जो है अशोक से 7 रैंक आगे है, सुरेश जो है वो अशोक से 7 रैंक आगे है, ठीक है, सुरेश जो है अशोक से 7 रैंक आगे है, तो 6 उसका बीच में बच्चा होगा,
तभी उस सात सातवां होगा, सात रैंक आगे होगा। ठीक है, आगे बोला यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, यदि अशोक का रैंक अंत से मतलब नीचे से 17 नंबर है, मतलब 16 को है, तब ना उसका 17 होगा। ठीक है, तो सुरेश का आरंभ से क्या होगा, तो सुरेश का ऊपर से आरंभ से क्या होगा, देखिए 39 विद्यार्थी था। ठीक है, पहले सुरेश देखते हैं, सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, सुरेश जो है अशोक से 7 रैंक आगे है, तो 6 को होगा, उसके बाद 7वां होगा ही। ठीक है, अशोक की रैंक अंत से 17 नंबर है, अशोक की रैंक अंत से 17 नंबर है, तो 16 को होगा, फिर उसका नंबर 17 होगा। ठीक है, देखिए 39 विद्यार्थी है कक्षा में, तो 16 हो गया, 16 1 17 17 और 6 23 23 1 24, और 24 और यहाँ पे कितना रखिएगा कि आप 39 होगा, 24 6 30 और 9 39, तो 15 रखिएगा तो 39 होगा। देखिए 15 1 16 16 6 22 21 23 और 16 39 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा था सुरेश का ऊपर से स्थान कितना है, देखिए तो उससे पहले 15 का उसका स्थान कितना है, 16 नंबर पे है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह वेन आरेख चुने जो नीचे दिए गए 3 वर्गों को सर्वश्रेष्ठ रूप से दिखाता है, ग्रुप डी 2018 पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए राज्य है, जिला है, शहर है, तो इन चारों से कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए देखिए हम लोग जैसा कि जानते, देखिए शहर है ही, शहर के बाद आ जाएगा जिला, सभी शहर जिला हो जाएगा और सभी जिला मिलके राज बन जाएगा, हम लोग का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, राम उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु स्थान से कितनी दूर है, ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए आपको हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ये सब पढ़ा चुके हैं, आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए ऐसा सवाल जब भी रहे आप लोग NESW याद रखिए, क्लॉक वाइज में लिखना है NESW, घड़ी की दिशा में। ठीक है, देखिए आपका जिधर मन करे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मान लीजिए, क्लॉक वाइज में खाली NESW, खाली NESW आप लोग क्लॉक वाइज में याद रखिएगा, जिधर मन करे मेरा मन किया हम इधर नॉर्थ मान लिए, NESW जिधर मन करे उधर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मान लीजिए, N यहाँ मान लेते तो E यहाँ हो जाता, S यहाँ हो जाता, W यहाँ हो जाता, जिधर मन करे उधर मान लीजिए। राम उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है, उत्तर किधर है, नॉर्थ इधर है, राम उत्तर की ओर यहाँ से 15 किलोमीटर जाता है। ठीक है, राम उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। देखिए अब इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है तो इधर नीचे दाईं ओर होगा, ऊपर बाईं ओर होगा, बोलता है दाईं ओर मुड़कर नीचे दाईं ओर होगा, 20 मीटर जाता है। ठीक है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर, देखिए अब ऊपर से नीचे आ रहा है तो उधर बाईं ओर होगा, इधर दाईं ओर होगा, दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर, इधर चलाऊ 10 मीटर। ठीक है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, अब फिर पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 20, देखिए अब इधर से आ रहा है तो ऊपर दायां हो जाएगा, नीचे बायां होगा, तो दाईं ओर मुड़ता और 20 चलता, देखिए ऊपर दायां होगा तो ऊपर 20, देखिए ई 20 आया है, ई भी 20 हो जाएगा, यहाँ ऊपर यहाँ से यहाँ चले कितना हो जाएगा 20, दाईं ओर 20 चलता है। अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, प्रारंभिक स्थान यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ से अब यहाँ से अभी वो यहाँ है, अभी वो यहाँ पे है, यहाँ चलना स्टार्ट किया था, तो इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, देखिए तो ये 10 है, यहाँ तक 10 हो जाएगा, पूरा 15 था, इधर कितना बच गया 5, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 5 मीटर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, भीन को चुनिए, यूपी पुलिस SI द्वारा 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए लखनऊ, ऋषिकेश, इलाहाबाद, पटना, देखिए इन चारों से सबसे अलग कौन है चारों में, देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर लखनऊ, वो कैसे, देखिए लखनऊ जो है, लखनऊ शहर जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, जबकि ऋषिकेश, इलाहाबाद और पटना इन तीनों गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जबकि लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा हुआ है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतना को इतना और इतना को इतना लिखा जाता है तो सेम को कैसे लिखा जाएगा, IBPS PO मेंस 2016 पूछा क्वेश्चन। देखिए
वो लोग क्या कर रहा है, इसको इतना लिख रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे। देखिए एस को क्या लिखा जा रहा है, देखिए तो एस कहाँ पे है, एस यहाँ पे है, ठीक है, लास्ट से एक बाद है, लास्ट से एक बाद एस को ये लिख रहा है वो लोग, एस को हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग ए को क्या लिख रहा है वो लोग, ए ए देखिए तो कहाँ पर, यहाँ पर है ए, उधर से दूसरे नंबर पर, इधर से दूसरे नंबर चार है, ए को क्या लिख रहा है वो लोग, चार लिख रहा है, ठीक है। एम को क्या लिख रहा है, एम कहाँ है, देखिए एम, एम फर्स्ट में, एम को सिक्स लिख रहा है, एम को सिक्स। ई को क्या लिख रहा है, ई कहाँ पे, देखिए तो ई यहाँ पे है, दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर एट द रेट है, ई को क्या लिखेंगे हम लोग, एट द रेट, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये चार छः एट द रेट कहाँ पे है, देखिए बी नंबर आंसर हो जाएगा हम लोग का। दस नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश ए सी सी ए डैश सी 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 ए डैश ए चार सी डैश तीन ए, एस एस सी स्टेनो 2019 में पूछा क्वेश्चन, देखिए देखिए तो इसको गौर से देखिए आप, देखिए दो सी के बाद ए है, ठीक है, यहाँ पे देखिए तीन सी के बाद ए है, ठीक है, दो सी के बाद ए, तीन सी के बाद ए, अब चार सी है, ठीक है। तो हम लोग को ये देखिए दिमाग में देखिए, दो सी के बाद ए है, तीन सी के बाद ए है, तो चार सी के बाद ही हम लोग ए रख के देखते हैं, ठीक है, चार सी के बाद ए रख के देखिए। अब देखिए चार सी चार ए हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए तीन सी है तो दो ए है, बीच में ए लिख दीजिए, तीन सी तीन ए हो गया, यहाँ देखिए दो सी है तो ए लिख दिया है तो दो ए हो जाएगा। अब एक ए है एक सी, क्या हो रहा था, एक सी एक ए, दो सी दो ए, तीन सी तीन ए, चार सी चार ए, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ खाली था सी ए सी ए ए ए सी ए ए ए सी ए ए, देखिए बी नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आपका 10 में से कितना नंबर आया है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।